गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ड्राइंग, ये क्या है हमारी ड्राइंग, ड्राइंग में क्या है, काइट, तो हम इसमें कलर करेंगे। इसमें ये कलर दिए है ना, तो हम इसमें एक कलर करेंगे इस तरह से। आज आपको ड्राइंग बुक में काइट बनानी है, ये आपकी ड्राइंग बुक है, इसमें आपको कलर करना है काइट में इस तरह से। ये आपको कलर दिए है ना, तो ये कलर आपको इसमें करने हैं। इसमें येलो कलर दिया है, इस तरह से आपको सुंदर सुंदर कलर करना है काइट पे। इसमें रेड कलर, ये आपको जो कलर दिया है ना ये साइड में, इससे आपको ये कलर करने हैं बेटा। इस तरह से ये सारे कलर करने हैं आपको, ठीक है। सारे बच्चे काइट पे कलर करेंगे। अगला है सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में क्या है, भोर, तो ये हमें पढ़ना है और फिर इसको नीचे लिखना है। ये क्या है, भोर हो गई, भोर होता है सुबह, सुबह हो गई। सोनल और मोनिका जग जाओ, दोनों नहाकर पाठशाला जाओ। दोनों उठ जाओ और पाठशाला क्या होते हैं, स्कूल, नहाकर पाठशाला जाओ। सदा सच बोलने का सबक याद करो। घर आकर हाथ पैर धो लो, फिर भोजन करके सो जाओ, फिर उठकर घूमने जाओ। तो इसको रीडिंग करनी है, पहले पढ़ना है और फिर इसे पढ़ना है और इसमें आपको लिखना है। आई, यहाँ पे लिखा है ना, आई होली हो, यहाँ पे ओ की मात्रा ली, होली रे, तो इस तरह से ही बेटा ये आपको लिखा है यहाँ पे। इसको आपको सब बच्चे पढ़ना है इसको, फिर इसके ऊपर लिखना है आपने। रंग लगाओ, 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 रंग लगाओ। फिर है खुशियाँ, खा, खापे की मात्रा, स, शापे की मात्रा, खुशियाँ, खुशियाँ, मनाओ, मनाओ, खुशियाँ मनाओ, लिखा ना, खुशियाँ मनाओ। मा ना ओ, खुशियाँ मनाओ। तो सभी बच्चे इस तरह आपको अपनी ये राइटिंग बुक में काम करेंगे। ये है आपका पेज नंबर 38, ये है 38, ये आपको रीडिंग, ये आपको रीडिंग करनी है, पढ़ना है और इसको लिखना है। इस तरह से ये आपको पिक्चर दी है और यहाँ पे लिखा है होली आई री, रंग लगाओ, इस तरह से इन लाइनों को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में इसमें है Using is with he and she. तो he और she किसके लिए use होता है, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। तो he किसके लिए आता है, लड़के के लिए, और she लड़की के लिए। तो क्या है, ये देखिए, we say he is with, we take about a boy or a man। तो क्या है, ये आपको he किसके लिए आता है, लड़के के लिए और man के लिए यूज़ होता है, और she किसके लिए यूज़ होता है, लड़की के लिए, whom औरत के लिए, whom man, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पिक्चर दी है,
ये आपको यहाँ पे पिक्चर दी है और यहाँ पे यूज़ बताया कि ही और शी किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये करेक्ट उस पर सर्कल करना है, करेक्ट आंसर पे सर्कल करना है जो नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं ना, ये आपको रीड द आंसर गिव अबाउट, ये आपको यहाँ पे सर्कल करने हैं। तो ये देखिए इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में ये देखिए ये लेडीज़ हैं, ये बॉय है, तो आपको यहाँ पे यूज़ बताना है ही कि शी इज़ माई ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रैंड मदर के लिए क्या आएगा, शी, तो हम क्या करेंगे सी पे टिक लगाएंगे, क्या है सी इज़ माई ग्रैंड मदर, तो क्या है शी, ग्रैंड मदर के लिए क्या आएगा सी, ये क्या है इज़ माई फादर, तो फादर के लिए क्या आएगा हमारा ही, तो हम कहाँ लगाएंगे ही पे सर्कल लगाएंगे, ठीक है, ही इज़ माई फादर। यहाँ पे ही टू सी इज माई ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, तो क्या है ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर के लिए क्या आएगा ही, तो हम क्या करेंगे ही पे सर्कल लगाएंगे, क्या करेंगे ही पे सर्कल लगाएंगे, ही इज माई ग्रैंड फादर। अब ये नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें क्या है इज माई मदर, क्या है इज माई मदर, तो क्या आएगा ही कि शी, 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 सी इज माई मदर। अब ये क्या है ही कि शी, सी इज, ही इज कि सी इज, सी, सी इज माई सिस्टर, ये सिस्टर है ना, सिस्टर के लिए क्या आता है सी, सिस्टर के लिए क्या आएगा सी, सी इज माई सिस्टर। ये देखिए इधर, यहाँ क्या है सी की ही किसी इज माई ब्रदर, तो क्या आएगा ही, क्या आएगा ही। तो इसी तरह आपको ये बुक में सर्कल लगाना है बेटा, क्या आएगा ग्रैंड मदर के लिए क्या आएगा शी, सी इज माई ग्रैंड मदर, ही इज माई ग्रैंड फादर, ये क्या है ही इज माई फादर, सी इज माई मदर, ही इज माई ब्रदर, इसके लिए क्या आएगा सी इज माई सिस्टर। तो इसी तरह आप ही सी ये बुक में करना है, आपको बुक में सर्कल करना है, और ये भी आज आपको बुक में करना है, हिंदी का काम हिंदी की बुक में है, इंग्लिश और ये आपको ड्राइंग, ड्राइंग में आपको आज काइट पे कलर करना है, और काम करके सभी बच्चे इसे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे।